नमस्कार सर, मैं यूँ मैं अमित भारद्वाज, गुटेट फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, जो कि किसानों का उत्पादन संगठन है, मैं आपका हर स्वागत करता हूँ। किसान भाइयों, आज की वीडियो में आपको मसूर की फसल में फल फूल झड़ने की जो समस्या आती है उसके बारे में पूरी जानकारी देंगे इस वीडियो में। उससे पहले किसान भाइयों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और पास वाले बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे कि जो भी नया हमारा वीडियो पड़ेगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो किसान भाइयों, आप देख सकते हैं ये मसूर की फसल आपके सामने है और इसमें समय जो समस्या आ रही है किसान भाइयों, वो फूल का झड़ने की समस्या आ रही है। तो अगर ऐसी समस्या किसान भाइयों आपकी फसल में आती है तो उसका नियंत्रण आप कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देते हैं। तो किसान भैया, इसके लिए आपको लेनी है कुछ दवाइयाँ, तो उसके बारे में आपको जानकारी दे देते हैं। सबसे पहली जो दवाई किसान भाइयों आपको लेनी है, वो लेनी है बायर की प्लानोपिक्स, और दूसरी दवाई जो आपको लेनी है किसान भाइयों, वो लेनी है बोरोन B20 पाउडर भरी। किसान भाई, आपको जो प्लानोपिक्स लेनी है उसकी मात्रा रहेगी 3 ml 15 लीटर पानी के हिसाब से। जो बोरोन जो आपको लेनी है B20 पाउडर वाली, उसकी जो मात्रा रहेगी किसान भाइयों, उसकी मात्रा रहेगी 15 लीटर पानी के लिए 25 ग्राम। तो इन दोनों दवाइयों को आपको मिलाकर स्प्रे करना है। स्प्रे का किसान भाई विशेष ध्यान दें कि स्प्रे आप सुबह जल्दी या शाम को लेट करें, और जो प्लानोपिक्स दवाई है उसकी मात्रा आप केवल 15 लीटर पानी के लिए 3 ml ही लें, और जो बोरोन है B20 वाली वो 15 लीटर पानी के लिए 25 ग्राम ही लें। मात्रा आप इससे कम या ज़्यादा ना करें। दूसरा जो ध्यान रखना है किसान भाइयों, वो रखना है आपको कि खेत में जिस समय आप स्प्रे करते हैं उस समय ये जो नमी है थोड़ी सी मिट्टी में, वो नमी का भी आप ध्यान दें। बिल्कुल सूखी हुई मिट्टी में आप स्प्रे ना करें, थोड़ी नमी होनी चाहिए मिट्टी में, उस समय आप स्प्रे करें। और जब अगर आपका फल फूल रुकना नहीं बंद होता है किसान भाइयों, तो आप 10 दिन के अंतराल पर एक बार स्प्रे दोबारा फिर कर सकते हैं। ये दो स्प्रे होने के बाद ये समस्या आपके आती है, फूल या फल जो भी झड़ता है मसूर की फसल में, उसका निराकरण आपका हो जाएगा। तो धन्यवाद किसान भाइयों, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें। अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर बनाना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें।